Hey guys, and welcome back to a brand new episode of Clash Royale. This video will be in Hindi, so if you don't like Hindi, you can check out my other videos because they are all in English. So, मेरे exams थे, मैं busy था, इसलिए काफी time से upload नहीं किया. अब exams खत्म, अब करते हैं थोड़ी trophy pushing. मैं ये deck use कर रहा हूँ, इसमें है Lumberjack and Balloon. So, obviously हमारी win conditions यही हैं इसमें. And tank killer के लिए हमारे पास Inferno Dragon है. काफ़ी कॉस्टली डेक है ये, साइकिल तो नहीं कह सकते बिकॉज मोस्टली हम देखते हैं कि Lumberjack एंड बलून डेक साइकिल होता है, बट यू नो ऑफ मेटा चल रहा है इसमें क्योंकि मैं अभी 3000 ट्रॉफिक के आसपास हूँ, इसलिए यहाँ पे मुझे कुछ मेटा वाले डेक नहीं मिलते हैं कि जिसमें मैं साइकिल डेक यूज़ कर सकूँ. तो इसलिए ऑल आई फेस इज जायंट स्केलेटन पैकाज, सो दैट्स वाई मैं इन्फर्नो ड्रैगन यूज़ कर रहा हूँ इसमें. इन्फर्नो टावर कर सकता था बट काफ़ी कॉस्टली होता है वो. सो हमारे पास टैंक किलर के लिए है इन्फर्नो ड्रैगन. स्पीयर गॉब्लिन हट है, काफ़ी अच्छी है. कल तक मेरे पास लेवल 4 की थी बट मेरे को शॉप में काफ़ी ऑफर्स मिले एंड मैंने क्लैन से रिक्वेस्ट करके लेवल 6 कर लिया इसको. सो एटलीस्ट गॉब्लिन इसमें लेवल 8 के हैं अब, सो दे डोंट गेट वन शॉट बाय द टावर. एंड इसके बाद हमारे पास है स्पेल में जैप एंड फायरबॉल. एरोज यूज़ कर सकता था बट फिर वही ना कि डेक काफ़ी कॉस्टली हो जाता है. So zap and fireball, and for defense we have archers and guard use किए हैं मैंने क्योंकि elite barbarians almost हर match में मिलते हैं, prince almost हर match में मिलता है, so इसलिए this is the overall deck. So बिना किसी देरी के let's clash. तो आज के पहले match के लिए मैं हूँ एक level 10 के against Carlo Salto from team Bosco. ना हमारे पास spear goblin hut है, ना हमारे पास archers हैं. ओपनिंग हैंड हमारा थोड़ा सा वीक है क्योंकि Lumberjack बहुत फास्ट है. लेट्स फायरबॉल दिस बॉम्बर एंड बॉम्बर की कहानी ख़त्म. अब हम जा सकते हैं Lumberjack, अच्छा इन्फर्नो ड्रैगन जाते हैं इसके लिए. आई होप कि वो पैक का ये जाइंट दे, बट ओ मैंने पहले ही कहा था हर मैच में मिल जाता मेरे को एलीट बारबेरियंस. नहीं ये कहाँ चला गया एक शेट. अब मजे में हमने खूब डैमेज ले लिया बट वो लोगों ने एलिक्सर है, सो बलून जा डालते हैं एक. प्लीज़ डोंट हैव मिनियन होल्ड. नॉर्मल मिनियन को करते हैं जैप. बलून ने लिया हिट, उसका पैका ख़त्म, उसका बॉम्बर भी ख़त्म एंड आई थिंक उसका टावर भी ख़त्म. काफ़ी अच्छी स्टार्ट मिली है गेम को. हमने डैमेज लिया बट उसका टावर भी लिया. अब हम एक उसके पास सिर्फ मिनियंस हैं हमारे बैलून काउंटर करने के लिए. अभी तक कोई स्पेल नहीं देखा मैंने उसका. गॉब्लिन हट जाते हैं, एलिट बारबेरियंस फिर से आएंगे, आर्चर्स एंड गार्ड्स ऑन द टॉप. गार्ड्स मेरे लेवल 2 हैं अभी और वो जल्दी मर जाते हैं मोस्टली. देखा मैंने उनकी शील्ड एक ही हिट में टूट जाती है. अब उसका मिनियंस रोटेशन में होंगे तो बलून जाना सेफ नहीं है. थोड़ा चिल करते हैं, देखते हैं कि उस पर और क्या है. ओके पैका, तो पैका के लिए हम Lumberjack डालते हैं एंड मिनियंस. ओके जैप दिस मिनियंस. तो मिनियंस के रोटेशन में नहीं है. अब हम बलून जा सकते हैं बट विदाउट रेज कोई फ़ायदा नहीं है. गॉब्लिन हट जाते हैं, ये एलीट बारबेरियंस डालेगा. फायरबॉल पहले से कर लो ओवर. ओके मुझे लगता है एक खतरनाक वैल्यू मिलने वाली है एंड मिल गई. गुड क्लोन. ओके जैप कर, ओह जैप थोड़ा सा मिस हो गया. क्लोन उसका लेवल हाई नहीं है क्योंकि क्लोन होने के बाद एलीट बारबेरियन लेवल 8 का बना उसका. अब हम चाहे तो फिर से आएंगे उसके कुछ ना कुछ. बहुत बढ़िया वैल्यू दे रही है मुझे गार्ड्स इसके मिनी पैकर के लिए. अब हम चाहे तो चिल कर सकते हैं या फिर अटैक कर सकते हैं बट मैं चिल करूँगा क्योंकि अटैक करने का कोई फ़ायदा नहीं है. काफ़ी अच्छा खेला उसने बट हमारा अटैक ज़्यादा बेटर था क्योंकि एलीट बारबेरियंस हम आसानी से काउंटर कर सकते हैं. हमारे पास बहुत काउंटर हैं एलीट बारबेरियंस के. अच्छा खेला उसने एंड काफ़ी अच्छा मैच था. अगले पे चलते हैं, अगले मैच की ओर. हम हैं अगेंस्ट पार्सा जो कि है लेवल 9.
स्टार्टिंग एट काफ़ी अच्छा है हमारे पास, हम चाहें तो आर्चर स्प्लिट कर सकते हैं बैक में या फिर गार्ड्स भी। ओके, फायर बॉल इस गॉब्लिन बैरल के लिए, तो 9 लेवल के गॉब्लिन है उसके पास, यानी कि मेरा जैप उनको एक शॉट में किल नहीं कर सकता, हमें फायर बॉल यूज़ करनी पड़ेगी। गार्ड्स इस हॉक के लिए, मैंने जैसे बोला गार्ड्स हमारे काफ़ी लो हैं, हॉक को एटलीस्ट एक और दो शॉट मिल जाएंगे। ओके, जैप करते हैं फायर स्पिरिट को, एंड गार्ड्स को हल्का सा चिप डैमेज मिलेगा यहाँ पे, आई मीन गार्ड्स देंगे चिप डैमेज, विच जायंट हो सकता है उसके पास, पैका हो सकता है, पैका आई हैव इन्फिनो ड्रैगन बेबी, एंड उसका पैका होगा मेल्ट, पैका गोज डाउन, विच बी ऑल्सो गोज डाउन। अब हम थोड़ा सा चिल करेंगे, देखेंगे कि और क्या है उसके पास, उसके पास क्या मिनियन हुड है, क्या उसके पास विजर्ड है मेरा बैलून काउंटर करने के लिए। गॉब्लिन हेड लगाएंगे यहाँ पे, मिनियन हुड जैप लेवल 11 की मिनियन हुड, वाओ। आर्चर्स इन द बैक, हमें थोड़ा सा डैमेज मिलेगा यहाँ पे, जैप करने के बाद भी मेरा लेवल 8 का टावर मिनियंस को दो शॉट में मारता है, तो ये थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग है, क्योंकि अब उसके पास मिनियन नहीं, हम बैलून जाएंगे और देखते हैं उसके पास और क्या है। विच को प्लीज़ मारो, फायर स्पिरिट, मेरे बैलून को शॉट नहीं मिलेगा बट विच चली जाएगी, विच गई। तो उसके पास हमारे बैलून के दो काउंटर हैं कि फायर स्पिरिट और मिनियन होड, हमें इन दोनों का वेट करना होगा कि दोनों रोटेशन से बाहर जाएं, तभी हम बैलून डाल सकते हैं। अब इस केस में हम या तो लंबर चेक जाएँ या फिर समझ नहीं आ रहा, वो हॉक जा सकता है इसलिए हम सेव रखा हुआ है, गार्ड जाते हैं, गॉब्लिन हेड। ओके, पैका के लिए हम जाते हैं इसके बैक साइड में, इन्फर्नो ड्रैगन, हाँ ओह गुड, अब जाएंगे इन्फर्नो ड्रैगन, अब वो पीछे विच करेगा 100% या फिर हॉक डालेगा, फायरबॉल रेडी रखते हैं। ओके, गॉब्लिन बैरल आर्चर्स उसके लिए, ओ भाई गॉब्लिन बैरल को क्यों, पैका को टारगेट कर, हाँ वैल्यू 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 फायरबॉल वैल्यू। ओके, उसकी मिनियन होड एंड फायर स्पिरिट दोनों आउट ऑफ रोटेशन है, यही टाइम है बैलून डालने का, लंबर जैक बलून, आई एम प्रीटी श्योर टावर गोज डाउन, लिख के ले लो, बाय बाय पार्सा, कुछ है ही नहीं उसके पास हमारे बैलून किल करने के लिए, यही की होती है उसकी रोटेशन याद रखो, उसके काउंटर याद रखो कि व्हाट कैन कार्ड कैन ही यूज टू किल अवर मेन विन कंडीशन, बस यही होता है क्लैश रॉयल और क्या। अच्छी विन मिली हमको, चलते हैं नेक्स्ट मैच की ओर, और काफ़ी अच्छा गेम था ये। और हमारे अगले मैच के लिए हमें अगेंस्ट HDEZ जो कि फिर से है एक लेवल 9, ज़्यादा अच्छे के लोग ऐसे ही होता है, हाई लेवल के लोग मिलते हैं, हमारा स्टार्टिंग हैंड बहुत ही बकवास है, कुछ नहीं इसमें करने लायक। ओके, फायरबॉल करेंगे इस विजिट को ताकि वो पहुँच ना पाए, बट पूरी तरह से मरेगा नहीं वो। आर्चर्स इस माइनर के लिए, अरे जल्दी मार दो, लंबर जैक इस वेलकरी के लिए, और जैप इन दोनों को ख़त्म करने के लिए, उसने अपना रेज भी चला दिया। ओके, कुछ नहीं हुआ, सब मर गए, क्या मिला करके इतना। अब हमारे पास हम जा सकते हैं गॉब्लिन हट, एलेक्सा पूरा होने का वेट करेंगे, आई थिंक आई शुड गो फॉर इट। ओके, स्पार्की, ओके लेवल 2 स्पार्की को कैसे मारा जाए, अब फायरबॉल अभी तो नहीं करूँगा मैं, कुछ ना कुछ तो फायरबॉल के लिए वैल्यू मिलनी चाहिए। आर्चर्स बैक में, ओके अब फायरबॉल करेंगे इसको, आर्चर्स गए, गॉब्लिन हट भी गई, विजिट भी गया, नो डैमेज टेकन, नो डैमेज गिवन। अब हम क्या कर सकते हैं, अब वो माइनर लाएगा यहीं पे, मुझे पक्का पता है लोग यहीं माइनर डालते हैं। लंबा जैक रेडी माइनर के लिए, आया आया माइनर आया, बूम, सालों से गेम खेल रहा हूँ भाई, पता है मुझे। अब हम डालेंगे बैलून, कुछ है, कुछ भी नहीं, टावर गया,
विच नहीं मार पाएगी बलून को इतने कम टाइम में, वो भी रेज बलून को। अब हम फिर से गॉब्लिन हंट डालेंगे। अब आई थिंक आई शुड डिफेंड फॉर द रेस्ट ऑफ द मैच, क्योंकि एक ही मिनट बचा है बस, अब क्या ही उखाड़ लेगा वो। आर्चर्स इस कोने में, बस वो स्पेल ना उस पर कुछ फायर बॉल। अरे रेज बहुत गंदी होती है सही में। जैप करेंगे इसको। हाँ आई थिंक वी आर इन ट्रबल। स्पैम कर रहा है यार वो मेरे को, सही में स्पैम कर रहा है। नहीं नंबर जैक टावर गया बाय चेट। हम चाहते तो अचानक से आसानी से डिफेंड कर सकते थे बट नेवर माइंड। मुझे स्पैम बिल्कुल पसंद नहीं है, इस स्पैम का जवाब तो उसको मैं अच्छे से दूंगा। हम क्या कर सकते हैं अब, हम बैलून जा सकते हैं या फिर जैप। हाँ अब करेंगे जैप। अब देख भाई मेरा स्पैम। आर्चर्स लंबर जैक, उसके ऊपर बलून, बाय गुड नाइट। हो गया टावर ख़त्म, फायर बॉल भी। अबे रेज क्यों चला रहा है, अब क्या कर लेगा। गुड गेम, अच्छा खेला उसने बट टेक्निक होती है। अच्छा गेम था। अब मैं आप दिखाऊंगा एक अच्छा रीप्ले जो मैंने पहले खेला था इन तीनों मैचेस के, काफ़ी अच्छा है वो। लेट्स हॉप इनटू द रीप्ले। तो ये है वो रीप्ले जिसकी मैं बात कर रहा था। उसके पास पैका था, उसके पास बैटल रैम था, बट एक का एक काइंड ऑफ ऑफ मेटा डेक था, बट वी स्टिल मैनेज टू गेट ए विक्ट्री क्योंकि कुछ ज़्यादा ही अच्छा खेलते हैं हम। मैंने शुरू किया था स्पीयर गॉब्लिन हट के साथ, उसने शुरू किया था बैटल रैम और बैट्स के साथ अपोजिट लेन में, बट मेरे पास जैप और लंबा जैक दोनों थे जो एक परफेक्ट काउंटर हैं ऐसे कुछ पिशेस के लिए। अब उसकी तरफ से डम मूव देखना, उसने जैप को साइकिल करने के लिए अपने ही एरिया में चला दिया। वो चाहता तो मेरे किसी भी टावर पे या गॉब्लिन हट पे चला सकता था बट यू नो जितना आता है उतने करेंगे लोग। अब उसने ये स्मार्ट मूव की, बहुत अच्छी मूव की कि वो अपनी प्रिंसेस से मेरी टावर को मेरी गॉब्लिन हट को स्नाइप कर रहा था बट मेरे आर्चर्स ने उसको ध्यान रखना। अब मैंने सोचा था थोड़ा सा चिप डैमेज मिलेगा बट उसने वालकुरी से सारा मेरे उम्मीदों पे पानी फेर दिया। अब मुझे ना चाहते हुए भी अपना इन्फर्नो ड्रैगन चलाना पड़ा क्योंकि मेरे पास और कोई काउंटर नहीं था इस वालकुरी को किल करने के लिए। गॉब्लिन मैं हट जाता तो वो भी फिर वालकुरी इवेंचुअली कुछ डैमेज कर ही देती उस पर। अब मैं गॉब्लिन हट में गया, उसके बाद आई थिंक उसने बैट यूज़ किए थे यहाँ पर। हाँ मैंने उनको जैप किया था जिसकी हेल्प से मुझे अबाउट 600 डैमेज मिल गया था उसके टावर पे। अब मैं फिर से लंबा चेक गया था लेकिन हल्का सा मैंने देरी कर दी लंबा चेक सेलेक्ट करने में, और उसकी जो बैटल रैम था उसने गॉब्लिन हट को हिट कर दिया था जिसकी वजह से गॉब्लिन हट ऑलमोस्ट 25% हेल्थ पे हो गई थी। अब उसने एक बार फिर से कोशिश की थी मेरे गॉब्लिन हट को स्नाइप करने के लिए, आई डोंट नो क्यों, क्योंकि वो ऑलरेडी जा ही रही थी, बट मैंने आर्चर से उसकी प्रिंसेस को सुला दिया। अब उसने फिर से कोशिश की थी, एक तो वो लेन सेलेक्ट नहीं कर पा रहा कौन सी लेन पे अटैक करूं। मैंने फिर से उसको उसकी वालकुरी को अपने इन्फर्नो ट्रावर्स ड्रैगन से मारा। अभी उसको सोच रहा था कि वो इन्फर्नो ड्रैगन यहाँ जा रहा है तो मैं पैका अदर लेन में जाऊंगा, बट उसको बैट से डिफेंड करना पड़ा, मेरा जैप हल्का सा चूक गया था एंड उसने फायरबॉल की मेरे गॉब्लिन हट को। आई थिंक हाँ अब वो बैटल रैम गया था और गार्ड्स, मैंने इन सब को एक साथ किया फायरबॉल, बट स्टिल आई मैनेज टू मिस द प्रिंसेस बिकॉज आई ऑलवेज डू। आई डोंट नो वो प्रिंसेस मिडिल में यूज़ क्यों कर रहा है एक मरती हुई गॉब्लिन हट के लिए। अब मैंने गॉब्लिन हट बैक में यूज़ की थी, अब उसने पैका यूज़ किया था, सोच रहा था कि मेरे पास कुछ होगा नहीं बट मेरे पास इन्फर्नो ड्रैगन ऑलरेडी था एंड जैप किया मैंने बैट्स को, पैका गया। यस अब मेरे पास एक अच्छी अपॉर्चुनिटी थी फाइनल पुश देने के लिए, मैंने लंबा चेक डाला एंड उसके बाद बलून के लिए उसके पास कुछ खास था नहीं तो मैंने ये गया बलून इन्फर्नो ड्रैगन, फायरबॉल किया मैंने बट कुछ डाले नहीं उसने तो फायरबॉल किस पे जाता, और टावर गया ऑलमोस्ट डाउन। अच्छा खेला उसने, काफ़ी अच्छी कुछ मूव्स की उसने बट हमारे पास ऑलमोस्ट काउंटर था उसकी हर चीज़ के लिए। आई थिंक उसकी विन कंडीशन पैका थी, नहीं बैटल रैम था उसके पास। हाँ सो स्टूपिड ऑफ मी। अच्छा रिप्ले था काफ़ी, है काफ़ी अच्छा मैच उसने खेला। और अब मैं दिखाऊंगा, एज यू नो कि मैं लेवल 8 हो चुका हूँ, एज यू कैन सी नाउ आई कैन प्ले वार। वेट अ सेकंड, वेयर गोज माय बेबी,
He is such a funny guy. He has no idea I am live. This is going live. He's offline, I guess. Yeah, he's offline. Huh? 1 out of 47 online. तो ये मैं दिखा रहा था हमारी क्लैन वॉर चल रही है इस टाइम पे. मैंने अपना फाइनल अटैक कर लिया है. हमारी क्लैन है इस टाइम नंबर 5 पे. अनफॉर्चुनेटली ये था मेरा वॉर डेक जो मैंने यूज़ किया था. मैं चाहता तो इन्फर्नो टावर यूज़ कर सकता था बट मेरे पास ऑलरेडी एक लेजेंडरी है तो मैं क्यों करता. तो ये वाला डेक मैंने यूज़ किया था. हॉक साइकिल है, काफ़ी अच्छा है. अब मैं आपको दिखाता हूँ कि मैंने कैसे किया था वॉर का रीप्ले. हियर इट गोज. काफ़ी अच्छा मैच था बट वो एक काइंड ऑफ कह सकते हैं नूब था. यानी कि उसके पास 3 मस्केटियर थी बट वो एक ही लेने पुट कर रहा था एंड मेरी फायर बॉल उसकी 3 मस्केटियर्स का भरता बना दे रही थी कहना चाहो तो. उसने स्पीयर गॉब्लिन से स्प्लिट किए थे तो मुझे लग रहा था कि कोई प्रो होगा बट वो प्रो नहीं था. कह सकते हो सेमी प्रो कह सकते हो. अब यहाँ पे जब उसने 3 मस्केटियर डाली तो मैं हल्का सा सोच रहा था कि यार मैं किसे कैसे काउंटर करूँ. मुझे आइडिया नहीं था कि मेरे पास ऑलरेडी फायरबॉल है. मैंने जल्दबाजी में आर्चेस आगे स्प्लिट कर दिए एंड देन मैंने फायरबॉल चलाई बट लुक विच को भी फायरबॉल मिली. इसे कहते हैं वैल्यू, ख़तरनाक वैल्यू. अब मैंने हॉक चलाया था एंड मेरे इकलौते आर्चर ने उसके बैट्स सारे ख़त्म कर दिए थे. काफ़ी अच्छा डैमेज मिला था मिनी पैक का. अब देखना एक स्टूपिड मूव की तरफ से उसने जब मेरे फायर स्पिरिट को जैप किया वो ऑलरेडी जंप कर चुकी थी. तो मिनी पैक गया. आई थिंक मैंने इस पुश को रहने दिया था. ये मैंने हल्का सा गलत खेला कि मैंने एक स्पीयर गॉब्लिंस पे ये एरोस चला दी अपनी, वो भी 2 स्पीयर गॉब्लिंस पे. अब मैं सोच रहा था फिर से 3 मस्केटियर जाएगा बट उसके प्रिंस था. मैं चाहता तो प्रिंस को स्प्लिट कर सकता था बट मैंने यू नो अच्छा अच्छा नहीं खेलता कभी कभी मैं भी, तो इसलिए मैंने काफ़ी इलिक्सर स्प्रिंट किया. एक 5 प्रिंस के लिए 3 आर्चर्स, 3 टोर्नेडो, 1 फायर स्पिरिट, 7. अब आई थिंक मैं इन्फर्नो ड्रैगन गया था बैक में क्योंकि मुझे आइडिया नहीं था करना गया है. हाँ, उसके बाद आर्चर्स अपोजिट साइड. आर्चर्स ने पैका को तो मार दिया था बट खुद मर गई थी. बट स्टिल हमारे टावर पे कोई खास डैमेज नहीं हुआ था. अब मैंने सोचा कि अब जाएंगे हॉग एंड आई हैड माय एरोज रेडी फॉर द स्पीयर गॉब्लिंस एंड देयर इट गोज. देन उसने प्रिंस चलाया. अब मुझे पता था प्रिंस के लिए मेरे पास बहुत कुछ है. फायर स्पिरिट है, आई स्पिरिट है और नाइट है, तो ही हैड नो चांस. अब ये मैंने फालतू का टॉर्नेडो किया, वो ऑलरेडी पैका आर्चर्स को मारते यहाँ आ जाता. अब उसके बाद आई थिंक आई वेंट फॉर द हॉग एंड आई स्पिरिट एट द बैक. हाँ, यहाँ उसने क्या वैल्यू दी मुझे, मज़ा ही आ गया. अच्छा खेला उसने काफ़ी. और यहाँ पे मैंने आर्चर स्प्लिट किए थे एंड नाइट एंड उसके बाद उसने अपने जब स्पीयर गॉब्लिन चलाए थे तो मैंने सबको एरो कर दिया एक साथ. एरो काफ़ी अच्छी है अगर उसमें मिनियन होल्ड हो या फिर कुछ भी ऐसा हो, स्वाम हो, तो एरोज अच्छी रहती हैं. इवन गॉब्लिन बैरल के लिए भी एरो अच्छी हैं. आई थिंक दिस वुड बी द एंड ऑफ द गेम. हाँ, अच्छा खेला उसने काफ़ी बट फिर वही था कि मैं थोड़ा सा प्रो था और वो थोड़ा सा नूब था. बट इसी बहाने वॉर में हमें विन मिल गई, अच्छा रहा. वो बात अलग है कि हम स्टिल लेवल पोजिशन 5 पे हैं. अच्छी वॉर थी काफ़ी. तो यहीं पे होगी आज की वीडियो एंड. ये हमारी फाइनल ट्रॉफी काउंट, ये है हमारा फाइनल डेक जो हम अभी यूज़ किया हमने. काफ़ी अच्छा था, मज़ा आया खेल के. इसको इसी डेक को मैं आजकल यूज़ कर रहा हूँ और प्रोबेबली इसी डेक को अगले मंथ तक यूज़ करूँगा जब तक कुछ नया नहीं मिलता मुझे. बट डोंट वरी, मैं दिखाता रहूँगा कि क्या क्या यूज़ कर सकते हैं इसके अलावा. एंड करते हैं आज की वीडियो ख़त्म. अच्छी लगी हो तो लाइक करना और मत भूलना मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए एंड प्रेस द बेल आइकन to get notified for more stuff like this. See you all in the next video and till then take care and keep clashing.